गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव अ स्वीट डे। टुडे वी लर्न एक्सरसाइज 4.5, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 9 के सारे पार्ट्स की मैं बना लेता हूँ, ए बी सी डी ई एंड एफ। फिल इन द ब्लैंक्स, सेट द नेम द प्रॉपर्टी। -4/7 × -5/9 -4/7 × -5/9 इक्वल टू -5/9, तो क्या आया वैल्यू में -4/7, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, इसलिए जो नंबर इधर है वही इधर आएगा। बी पार्ट है -6/13 × 5/11 × 6/11, तो 6/13 का पहले 5/11 में मल्टीप्लाई होगा, फिर 6/13 का किस में मल्टीप्लाई होगा, 6/11 में। सी पार्ट क्या है, 1 का इंटू करेंगे और 1 का उसमें उस नंबर का 1 में इंटू करेंगे तो रिजल्ट इज वही नंबर होगा, क्योंकि 1 कौन सा नंबर है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर है। किसी नंबर का मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। -6/17 × 5/11 + 3/5 = -7, पहले 5/11 में होगा फिर किसमें होगा, 6/17 × 5/11, तो सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, एफ में क्या होगा, -3/7 × 5/11, तो 5/11 × -3/7, तो इस तरीके से आप इनको फिलअप कर सकते हैं, या आईएमपी है करके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके कमेंट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर टेन है आपका ट्रू फॉल्स क्या होंगे। ट्रू फॉल्स में सारे नोट कर लेता हूं, पहले ए बी सी डी एंड ई। ट्रू फॉल्स में द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा, बेटा ट्रू। बी पार्ट है -1 × a इज पॉजिटिव, -1 × a क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन यहाँ पर a क्या है, नेगेटिव, बिल्कुल a नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि a का मल्टीप्लाई जब 1 में होगा तो 1 बन जा माइनस, तो ये भी क्या होगा बेटा, ट्रू होगा। सी है मल्टीप्लीकेशन इज नॉट क्लोज्ड, मल्टीप्लीकेशन कभी भी क्लोज नहीं होता अंडर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के अंदर क्या ऐसा है, नहीं, कभी कभी क्लोज होता है, जब कोई डिजिट से वो दोनों नंबर नहीं करते तो वहां पर मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। बात करते हैं इसके अगले पार्ट की, डी की, x × y + z इज नॉन जीरो इफ x इज नॉन जीरो। y प्लस जेड अगर ये नॉन जीरो है, क्यों है, क्योंकि x का जब मल्टीप्लाई करेंगे x जीरो नहीं है, यानी कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, जब x जीरो नहीं है तो कोई भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर उनमें से कोई जीरो होता है तो उनमें से प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, इसलिए क्या होगा, ट्रू, नॉन जीरो है क्योंकि x जीरो नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज नेवर अ फ्रैक्शन, बिल्कुल जो दो इंटीजर का अगर अपन प्रोडक्ट करते हैं तो कभी भी फ्रैक्शन में चेंज नहीं होता है, तो ये भी क्या होगा आपका, ट्रू। तो इस तरह से हमने आज ट्रू फॉल्स ऑफ फिल द ब्लैंक्स पढ़े, आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.6 की, इसलिए आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। हैव अ स्वीट डे।